वाह जी वाह, माशाल्लाह से चेक करें, काफ़ी तादाद हो चुकी है। मुझे मालूम नहीं था इतनी ज़्यादा हो चुके हैं। ये तो सिर्फ अभी कॉलोनी के बर्ड्स हैं, माशाल्लाह तादाद काफ़ी अच्छी हो गई है। ये देखें दोस्तों, काकटेल के चिक्स माशाल्लाह से, परसों मैंने चेक किए थे, अभी छोटे थे, अभी तो कलियाँ भी निकल आई हैं ब्लैक कलर की। ये देखें पिनों में है अभी, ये देखें एक रेड है, माशाल्लाह से लाल आँखों के अंदर है। दोस्तों ये तो काफ़ी अच्छी बात है, तीन बच्चे निकल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ जावेद इकबाल, वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल जावेद इकबाल ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं एक न्यू पेयर लेके आया हूँ कबूतरों का, वो आपके साथ शेयर करेंगे, आपको दिखाएंगे कैसा लगा, आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है कैसा लगा। इसके अलावा मैं आज काकटेल के जो चिक्स निकले थे वो भी चेक करूँगा, वो भी आपको दिखाऊँगा कि कितना ग्रोथ कर चुके हैं। चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ मिनी जू के अंदर, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये बैठे हुए हैं, अभी चलता हूँ आपको दिखाता हूँ केज के अंदर मिनी जू में क्या चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर इससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं। जी दोस्तों ये देखें, ये मेरा डव का दाना तैयार है, अब मैं इनको रखने के लिए जा रहा हूँ। चलें इनको रखते हैं, ये बैठे हुए हैं बिल्कुल इंतज़ार में। ये देखें आप, ये बैठे, अभी मैं रखूँगा सारे। आजकल मैं इनको इसी बर्तन के अंदर डाल रहा हूँ क्योंकि ये ज़ाया कर देती थी, सर अभी मैं इसको रखता हूँ, आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों ये देखें, मैंने रख दिया है इसको, माशाल्लाह से आना भी शुरू हो गए हैं। अभी आप देखें ये कि सारे के सारे इसके अंदर ही जमा हो जाएंगे। ये मैंने इसलिए रखा है तो दाना जो है ज़ाया हो जाता था, नीचे बिखेर देते थे, इस तरह जो किए जब वो भी अच्छा नहीं लगता था, दाना बिखरा हुआ जैसे ख़राब ख़राब लगता था, इसलिए मैंने इसके अंदर ही रख दिया है। तो सारे इसी के अंदर ही खाते हैं, जो कचरा बच जाता है उसे बाहर फेंक देते हैं, बाकी वो इसके अंदर ही डालते हैं, क्योंकि कचरा नीचे ज़मीन के ऊपर बच जाता था, कच्ची ज़मीन थी इसलिए वो साफ़ करना मुश्किल हो जाता था। इसलिए ये देखें हम माशाल्लाह से सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे, अब खा भी लेंगे। ये देखें ये बच्चे निकले हुए हैं माशाल्लाह से, आप चेक करें। ये देखें अभी केज के अंदर और बैठे हुए हैं, और इसके अलावा कॉलोनी में भी, ये कॉलोनी के बर्ड हैं और केज में अलहदा बैठे हुए हैं, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे वो बच्चे उनके कैसे निकले हुए हैं। ये सारे कॉलोनी के बर्ड्स हैं मेरे पास, माशाल्लाह से हेल्दी एक्टिव हैं। ये देखें ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं माशाल्लाह से, आप चेक करें। ये देखें ये दाना किस तरह बिखेर रहे हैं, इसलिए ये दाना बिखेर देते थे इधर उधर, फिर आप नज़र भी आ रहा होगा सही ढूंगे, सारे कच्ची ज़मीन के अंदर, बाज़ूकात बारिश आती थी तो ये यहाँ से भी उगना शुरू हो जाता था। ये देखें अब इसके अंदर सारे आसानी से खा सकते हैं, बर्तन भी खुला है माशाल्लाह से, फ्लाई सारी की अच्छी फ्लाई है, बड़ी तेज़ उड़ते हैं ये सारे माशाल्लाह। ये देखें काफ़ी प्यारे भी लगते हैं, कॉलोनी में साफ़ सुथरा हो जाता है जो भी बर्ड्स होता है, केज में मैला मैला सा रहता है, एक तो उड़ भी नहीं पाता। ये देखें चलिए दोस्तों, आपको काकटेल के चेक्स सिखाते हैं, मैंने खुद भी चेक करने थे किस तरह है, चलिए लेके चलते हैं काकटेल की कॉलोनी के अंदर, फिर आपको दिखाते हैं। जी दोस्तों मैं आ चुका हूँ काकटेल की कॉलोनी में, ये मेरे पास पेड़ लगे हुए बड़े खूबसूरत पेड़ हैं, और इसके अलावा इसके चेक्स मैंने चेक करने थे, वो आपके साथ मैंने सोचा शेयर भी करता हूँ, कितने बड़े हो चुके हैं, कोई एक्सपायर तो नहीं होगा, वो चेक करते हैं आपको दिखाते हैं। अभी जो है इस डिब्बे में बैठे हैं, ये देखें इसे भी खोलते हैं, इसके अंदर देखते हैं। ये देखें माशाल्लाह से आवाज़ आपको आ रही होगी इनकी, बड़ी तेज़ सीख रहे हैं, तीन बच्चे हैं माशाल्लाह से, ये देखें बड़े हो चुके हैं, परसों वाले दिन मैंने चेक किए थे काफ़ी छोटे थे, आज माशाल्लाह से काफ़ी बड़े भी हो चुके हैं। ये देखें अभी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, यहाँ से सही नज़र नहीं आ रहा, ये देखें ये एक दो बच्चे ये हो गए, एक बच्चा और पीछे वो भी आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें अब तो ब्लैक ब्लैक जो इसकी पिन्नियाँ वो भी निकल रही हैं ब्लैक कलर की, आप देखें। ये देखें दोस्तों तीनों बच्चे मैंने निकाल लिए हैं,
नहीं, माशाल्लाह से ये देखें काफ़ी प्यारे बच्चे हैं तीनों। ये देखें काफ़ी बड़े हो चुके हैं और जो सामने नज़र आ रहा है इसकी आंखें भी रेड हैं। इसकी ये जो कली वगैरह है वो सफ़ेद निकल रही हैं, ब्लैक है जी जो कली वगैरह है वो भी ब्लैक नज़र आ रही हैं। चलें माशाल्लाह से की ग्रोथ अच्छी चल रही है। तो अभी ये देखें सुबह का टाइम, इनको खिला भी दिया है, फोटे भी इनके भरे हुए हैं, इनकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। चलिए दोस्तों आपको लेके चलता हूँ जो न्यू पेयर मैं लेके आया था कबूतर को, वो आपको दिखाता हूँ। कबूतरों को भी दाना वगैरह डाल देते हैं जी। दोस्तों ये देखें मैं इनको दाना डालता हूँ। ये देखें सुबह सुबह का टाइम है, अभी ये कुछ भी नहीं डाला इनको, अभी ये भूखे हैं। ये देखें किस तौड़ के आ रहे हैं, ये ऊपर बैठ रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह से ये आज इनका बच्चा भी निकला हुआ है एक, वो आपके साथ मैं शेयर भी करूँगा। अभी केज में आ चुके हैं, उनका बच्चा भी देखते चलेंगे क्या ग्रोथ कर चुका है। न्यू कबूतर भी आपको मैं दिखाता हूँ, अभी लेके आया हूँ मैं, इसी केज में छोड़ता हूँ यहाँ पे। इनको पहले मैं दाना डाल देता हूँ। ये देखें ये काफ़ी भूखे हैं, रात में दाना निकाल लेता हूँ, सुबह सुबह इनको डाल देता हूँ दाना। फिर इस अभी सुबह का टाइम है, आप देख रहे हैं हल्की हल्की धूप निकल रही है, सूरज की हल्की लाइट है। मैं इनको सुबह सुबह ही दाना डाल देता हूँ तकरीबन 7:30 बजे। ये देखें चलिए आपको दिखाते हैं कि कौन से कबूतर लेके आया हूँ मैं जी। दोस्तों मैंने छोड़ दिया है कबूतर, ये आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये दो कबूतर हैं, बड़े प्यारे कबूतर ये वाले। ये देखें ये दोनों, एक यहाँ पे चल रहा है ये देखें, और एक ऊपर बैठा हुआ है। ये देखें ये आप कबूतर देखें, माशाल्लाह से बड़े ही प्यारे कबूतर हैं। ये देखें एक ये कबूतर है और एक नीचे बैठा हुआ है ये वाला, ये मेरा ख्याल मेल है, वो वाला मेल था। ये चेक करें माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत कबूतर है। दोस्तों अंदर आ भी चुके हैं, देखते हैं जो कबूतर का बच्चा पड़ा हुआ था उसका ख्याल है। ये देखें दोस्तों ये पड़ा हुआ है अभी, ये काटता भी है यार। ये देखें ये काटने भी लगा है, ये चक्कर है। कबूतर थोड़ा सा वो नीचे दाना भी निकाल रहा है, ऊपर बैठ गया है। ये आप देखें अभी ऊपर ही चल रहा है, कबूतर सारे नीचे बैठे हुए हैं और ये ऊपर चल रहा है। ये चलें ये मिक्स हो जाएगा इसके साथ जी। दोस्तों माशाल्लाह से आज का व्लॉग काफ़ी अच्छा बना है, जिसमें सबसे पहले तो मैंने कॉकटेल के चेक्स दिखाए हैं, माशाल्लाह से ग्रोथ अच्छी चल रही है उनकी, और इसके अलावा जो कबूतर है वो भी अच्छे मिले हैं। लेकिन आपने कमेंट्स में बताना है कौन सी नस्ल का कबूतर है। दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।